तो रियल हैं जो हमारे माओ के जो, है जो, आप देखती है कि जो उनके तरक्की में आगे बढ़ने में उनके लिए कर रहे हैं अर्ली एज में उनकी शादियाँ कर देते हैं मतलब चौदह पंद्रह साल में तो ये इन चीज़ों पर थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए हमारे स्कूलों को वो आबाद करें जैसे आप ये देख लें की कढ़ाई सिलाई है आप जस्ट तस्वीर बनाते हो अपलोड करते हो तो आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं कई चीजों के लिए आपको डिग्री की जरूरत नहीं होती है लेकिन आज वो लाखों रुपया कमा रहे बा शम बिमर व ज नूरही व कमालकम दोस्तों हसन रज़ा आज एक दफ़ा फ़िर आपकी हिमत में हाजिर है दोस्तों अब तक की अप्रीसी और अब तक की कोपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने एक ऐसे इलाके में रिपोर्टिंग की कि जिस इलाके में किसी आम बंदे का जाना पुलिस वाले का जाना उनको भी डर लगता था लेकिन ये वहाँ कई दिन रही और इन्होंने वहाँ पर रिपोर्टिंग की जी हैं उस इलाके का नाम है कच्चा जी आपके जहन में ये कच्चा इलाका सुन के मुझे पता है कि थोड़ी वहशत थोड़ी दहशत आपके ये जहन में आ गई होगी और आपको डर और खौफ आ रहा होगा कि यार वहाँ तो हम नहीं जा सकते लेकिन ये खातून जो एक बहादुर खातून है इन्होंने वहाँ जा कर एक कैंपेन चलाई और वो कैम्पेन ये थी कि दूसरे जो बच्चे हैं जो लड़कियाँ हैं जो खतानीन वहाँ रह रही हैं उनको पढ़ाना किस तरह से है उनकी जो तरबियत है वो किस तरह से करनी है एक ऐसे डेंजरस इलाके में और जो खेती बाड़ी होती है जो काम करने होते हैं वो उन्होंने किस तरह से वहाँ पर करना होता है तो ये है असल चेहरा पाकिस्तान का लेडीज़ एंड जेंटलमैन मैं आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ वन ऑफ द सीज इन प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान इनका नाम है तस्नीम आइए मिलते हैं तस्नीम से और जानते हैं उनकी ही कामयाबी का सफ़र तस्लीम थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू सो मच आप हमारे साथ हैं आई no, मीन I mean, बहुत ही एक मुश्किल सी कहानी है कि मतलब वहाँ पर जाना कच्चे के इलाके में और वहाँ जाके रिपोर्टिंग करना और फिर इतने दिन रहना आम इंसान सोचता है तो उसकी मेरा ख्याल है कि उसकी सोच में भी नहीं आ सकता लेकिन आपने किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर किया और आपने कहा नहीं मैंने वहाँ जाना है और वहाँ जाके लोगों का माइंड जो है वो चेंज करना है हमें ज़रा सफ़र के बारे में बताइए जी बिल्कुल ज़रूर थैंक यू so सो मच हसन साहब एक्चुअली बात ये है कि आपका जो एक पैशन होता है हाँ। आपका जो एक विजन होता है मेरा सबसे पहले यही है कि मैं एक खातून होने के नाते दूसरी खातन को भी एमपावर दूँ और हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत ज़्यादा रैशो तलीम का खातन के मामले में हर शोबे में बढ़ना जहाँ तरक्की बहुत ज़्यादा हो चुकी है लेकिन हमारी खातन काफ़ी पीछे हैं और हम जो आबावा से जो कवानीन आ रहे हैं खसूस खा बलोचि में सिंध में और कोयटा के पे देख ले तो इनमें खात बहुत ज़्यादा मुतासर हैं पढ़ना भी चाहती हैं और बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन इसके बावजूद उन्हें मौके बहुत कम मिलते हैं मेरे साथ डिस्कशन हुई मेरी काफ़ी सीस आर के प्रोजेक्ट्स एंग्रो के साथ माशा एंग्रो फर्टिलाइज़र के साथ जो है वो चल रहे थे उसी दौरान उनके साथ बातों बातों में पता चला कि वो माशाला कच्चा के इलाका जो कि डाकों के ज़ेर इस्तेमाल और उनका वो रहता है तो वहाँ उन्होंने माशाल्लाह तेरह स्कूल बनाए हुए हैं अब उनकी इस कामयाबी में लेकिन थोड़ी सी गुफ्तु में उन्होंने यही बोला कि अब ख़ीन जो हैं हमारे इतना फैसिलिटेट करने के बावजूद भी अपनी बच्चियों को नहीं भेजी होती हैं लड़कों को फिर भी वो पढ़ाने में दिलचस्पी ले लेते हैं लेकिन कई दफ़ा ख लड़कियाँ जो हम उनको यूनिफाम बुक्स हर फैसिलिटी सहूलियात से उनको मुहैया करते हैं इसके बावजूद भी वो उनको वहाँ नहीं भेजती हैं फ़सल की कटाई हो गई है अर्ली एज में उनकी शादियाँ कर देते हैं मतलब चौदह पंद्रह साल में तो ये इन चीज़ों पर थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए हमारे स्कूलों को वो आबाद करें और हम अ, मतलब हमारे साथ तावन करें तो ये मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा और मुझे ये लगा कि ये मेरे लिए एक बेस्ट अपॉरचुनिटी है कि मैं जाके ब्रेन वॉशिंग करूं और ख़ास कर वहाँ की जो नानियाँ दादियाँ हैं और जो सासें होती हैं और उनको बताया जाए कि जिंदगी और दुनिया कितनी तरक्की कर ली। अच्छा तस्वीर आप बिल्कुल वहाँ गई और ये चैलेंजेस आपको वहाँ पे फेस करने पड़े वहाँ पर जो एक माइंडसेट है वो यही था कि जी नहीं यार ये बात आप ऐसा आप तो यहाँ रहती नहीं है आप तो देखें किसी और इलाके से हैं आप यहाँ पे रहें ज़रा दस दिन कोई महीना दो महीने में फिर आपको पता चलेगा कि कच्चाई का इलाका क्या है और किस किस्म की चैलेंजेस हैं फिर उस माइंडसेट को आपने चेंज कैसे किया इसमें ये था कि आ, मैं आपको बताती हूँ कि एक वहाँ से खातून थी उनका ये था कि वो बल्कि मेरे सामने ये मिसाल थी कि अगर औरत पढ़ी लिखी नहीं है तो वो आगे वाली नस्ल को किस तरीके से तरबियत कर सकती बाज़ दफ़ा हमें मतलब लगता है कि हम पूरे मुकम्मल शख्सियत है हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन आप ये देखें अगर एक खातून कोई एक्सपायरी दवा इस्तेमाल कर लेती है अपने बच्चे पे तो वो एक माँ के लिए क्या उस वक्त उनकी कंडीशन हालत होगी इस बेस को बनाते हुए मैं वहाँ गई उनको मैंने यही कहा कि ठीक है मैं यहाँ नहीं रहती हूँ लेकिन अगर आपके साथ एक बहुत बड़ा इदारा ताउन कर रहा है आपको फैसिलिटेट कर रहा है तो आपको मतलब उससे जान क्यों छुड़ा रहे हैं आप क्यों भाग रहे हैं क्यों नहीं अपने आप अपने अंदर तब्दीली क्यों नहीं लाना चाहते आप अपने उन असूलों को तोड़ें कि जबकि आपको पर्दे में ही आपके साथ हर किस्म का तान किया जा रहा है तो उसमें उनका बहुत ज़्यादा माशा खावा ने मेरी बात सुनी कई जगह बहुत ज़्यादा मुझे सख्त मतलब चैलेंजेस थे सख्त लहजे और इवन कि वो आ, मतलब लड़ाई का भी उनका अंदाज़ था लेकिन आपका एक अपना मतलब मेरा एक नरम अंदाज मुझे उनका समझाने का अंदाज मुझे जब मैंने उनसे सारी बात की उनको सब चीज़ें मतलब प्रजेंट पास्ट और फ्यूचर जब आप हा, माजी हाल और मुस्तबिल के बारे में उनको बताते हो तो अवेयरनेस आती है उनको इस बात का तो और उन्होंने वादा किया उनको तिबी सहूलियात तक मुहैया हो रही हैं उनको कोविड के जमाने में उनको हर चीज का जब पिक एंड ड्रॉप तक वो दे रहे हैं तो क्यों ना इसको फ़ायदा किया जाए लेकिन उनके जहन में यही था कि आ, हम तो छोटी उम्र में शादी कर देते हैं हम लोग क्या करते हैं कि फ़सल की कटाई तो हमारे साथ कौन काम करवाएगा यानी कि औरत घर में भी काम करे बाहर भी काम करे अगर शाना बशाना काम कर सकती है लेकिन अगर वो एजुकेटेड है वहाँ पर यकीन करें दो से तीन ऐसी स्टूडेंट्स थी जो बाकायदा रो पड़ी कि हम क्लास में फ़र्स्ट आ रहे थे हमें बहुत मज़ा आ रहा था लेकिन हमारा फलां फलां रिश्तेदार ने हमारी घर मतलब वालों का ऐसा माइंड वो किया कि उन्होंने हमें बिठा लिया तो तो वो चीज़ बहुत मजा आया आपको आपको चैलेंजेस चैलेंजेस अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते करते हैं तो आपको इन को सामना करते हुए इनसे भागे नहीं देखिए मुश्किल तो आती हैं अगर हम मुश्किल से भागेंगे तो फिर हम कैसे अपने साथ दूसरों को लेके ऑल ओवर द पाकिस्तान घूमती है बिल्कुल बिल्कुल देखिए हमें ये बताइए कि जो रियल टाइम चैलेंजेस हैं जो हमारे खातन के जो हमारी माओ के जो हमारी बहनों के तालीम तो एक बहुत बड़ा इशू है और वो चल भी रहा है चैलेंजेस और कौन से चैलेंजेस हैं जो आप देखती हैं कि जो उनके तरक्की में आगे बढ़ने में उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा हैं देखिए पाकिस्तान हमारा कोई तरक्की याफ्त मुल्क नहीं है हमारे हमारे सब आप मुझे हम सब को इंडिविजुअल किरदार अदा करना पड़ेगा अपने पाकिस्तान की तरक्की के लिए आप ज़्यादा दूर नहीं जाएं अभी सैलाब आया सैलाब सिर्फ सिंध को नहीं गया आप देखिए डीजी खान है मुझे डीजी खान में जाने का मौका मिला आ, मैं वहाँ पर गई तो यकीन करें सबसे ज़्यादा मुश्किल में औरत थी सबसे ज़्यादा मुश्किल में वो कैसे तरक्की कर सकती है कि सैलाब में सब कुछ बह गया ठीक है लेकिन जब आपको इतनी इमदाद मिल रही है सब लेकिन पूरा पूरा दिन वो रात होने का इंतज़ार कर रही है वाशरूम जाने के लिए थोड़ी सी तो सेंसिटिविटी आप समझें ना कि औरत किस मकाम पर औरत को औरत की नज़र से देखें कि उसके सहु, मतलब उसका मतलब उसका इज्जत उसको एक पर्दा आप उसको उसमें रह के उसको किस तरीके से आगे चला सकते हैं लेकिन जो ख़वा थोड़ा आगे बढ़ने लगती उनको मोबाइल तक नहीं दिए जाते उनको मैट्रिक तक अगर जिन जैसे खैरपुर को देख लें आप खैरपुर में मैट्रिक तक सहूलियात आ गई आगे आगे लेकिन कुछ अपने ही घर के मर्द जो हैं उनसे मोबाइल ले लेते हैं लेकिन आप ये देखें मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ नेगेटिव नहीं है आप उससे बहुत पॉजिटिव आप ये देखिए ऑनलाइन क्लासेस कैसे हुई थी आप मैं सोच सकते थे कि ज़िंदगी में कोविड भी आएगा और हम लोग फीसें भरते हुए भी अपने बच्चों समेत हम सब एक मतलब महदूद हो जाएंगे लिमिटेड हो जाएंगे तो ऐसे में हमें आपको इस्तेमाल आया हमने कर लिया ले, लेकिन वो बेचारे कहाँ जाएंगे जो आहिस्ता आहिस्ता सफ़र करें जो अपने घर के वाद तालीम याफ्ता बिल्कुल सही वो कैसे चलेंगे तो हमें ये सबको मिला के चलना है सिर्फ ये सहूलतें नहीं है कि उनको आटा दाल रोटी राशन दे दिया या मेडिकल की सहूलतें और मैं आपको कहूँ अनफॉर्चुनेटली मेडिकल की उन्हें फैसिलिटीज़ दे के भी कई चीज़ें वही दोबारा कराची मेडिक, मेडिकल आ, मार्केट में दोबारा सेल हुई है। हमारा ईमान तो यही कुछ रह गया तो हमें सन्सियर होना वही बात आ जाती है कि देखिए हम सी एस आर पे कहते हैं या वगैरह वगैरह ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है हमारी नहीं कोई हुक्मरान नीचे नहीं आएगा कोई सी एस आर कंपनी नहीं आएगी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें इर्द गिर्द देख सकते हैं बिल्कुल पैसा आपकी ज़रूरत है मैं हर जगह ये कोट करती हूँ और आपकी इस प्लेटफॉर्म के स्वयं में ज़रूर कहूँगी कि पैसा आपकी ज़रूरत ज़रूर है उसे कमज़ोरी मत बनाए इस हद तक कमज़ोरी ना बनाए कि आप फिर जवाब दे कैसे होंगे एक हमारी है उनका एक क्वेश्चन था कि, fact, वो ये चाहती है की मैं घर बैठ के पैसे कमाऊ अब वो कह रहे हैं मुझे पढ़ने तो दिया नहीं जा रहा मतलब घर वाले कहते हैं कि बस तुमने मैट्रिक कर लिया ना एफए कर लिया शादी ही करनी है तुम शादी कर लेना तो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो कि घर बैठ के वो सीखे और घर बैठ के वो ऑनलाइन अर्निंग प्लस लर्निंग कर सकें देखिए बहुत सारी फील्ड्स हैं जैसे आप ये देख लें कि कढ़ाई सिलाई है आप जस्ट तस्वीर बनाते हो अपलोड करते हो तो आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं इतनी टेक्निक तकरीबन हर दूसरी लड़की खोलना बनाना जानती है अपने मोबाइल के इस्तेमाल से भी वो ज़रूरी नहीं कि बहुत बढ़िया मोबाइल हो लेकिन आपकी चीज़ अच्छी हो जैसे मुझे अभी दो तीन दिन पहले एक लड़की ने बोला कि मैं क्रोशिया का, का काम बहुत अच्छा करती हूँ तो मैं कैसे करूँ तो मैंने कहा आप चीज़ें बनाओ आप अपनी किसी हमसाई को या आप किसी को जानते जैसे मैं उसके कॉन्टैक्ट नंबर मेरा पहुँच गया उसके बाद वो मुझे फारवर्ड करे मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं आगे फारवर्ड करूँ लेकिन उसके नंबर पर लोग राबता करेंगे इसी तरह ब्यूटी पार्लर है अगर वो बहुत सारी हमारी लड़कियों को बच्चों को और इसमें बहुत तरक्की हो रही है अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि आ, इंडिया में मैं एक चैनल देख रही थी यूट्यूब की क्लिप थी बस छोटी सी क्लिप थी उस लड़की ने क्योंकि उसके फॉल हो गया किसी उसमें मतलब बीमारी में या किसी उसमें उसने क्या किया उन्हीं नेचुरल बालों के साथ हेयर के साथ उसके चाचू कोई काम करते थे तो उन्होंने विग बनाना शुरू कर दी छोटी छोटी एक्सटेंशंस बनाना शुरू कर दी लेकिन वो सीखती गई कई चीज़ों के लिए आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है लेकिन आज वो लाखों रुपया कमा रही है लोग अप्रोच कर रहे हैं कि हाँ ठीक है इस तरह आप यूज़ करें इस तरह और भी बहुत है, जूते हैं आप वॉल हैंगिंग बना सकते हैं डेकोरेशन कर और आपको एक बताऊँ मेरे पास एक कराची में एक लड़की आई उनके पास कोई इंटीरियर डेकोरेटिंग का डेकोरेशन का कोर्स नहीं था इंटीरियर डिज़ाइनिंग उन्होंने नहीं की हुई थी बहुत ही कुछ उनका नहीं था लेकिन उन्होंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग को ख़ुद एक गॉड गिफ्टेड था तो उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा कॉर्नर सेट किया इसी तरह मैं उन्होंने कहा कि आप अपने घर के छोटे छोटे कॉर्नर्स बना बना के सेट करें आप अपनी स्किल बढ़ाएंगे उन्होंने रिसाइकिलिंग की वो कुशन कोई नए कपड़ों के साथ नहीं थे वो जो सोफ़ा सेट से वो नहीं थे लेकिन उनका माशाल्लाह काम चल गया उनसे लोग बनवा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता देखिए सबसे पहले हमें सबर की भी जरूरत है अपने आप को अपना टैलेंट देखने की भी ज़रूरत है आप में फिर भी हमें सिर्फ फ्यू सेकंड्स में हम चीज़ें फॉरवर्ड शेयर कर लेते हैं हमारा इतना फ़र्ज़ है जो पढ़े लिखे हैं जो समझदार है इर्द गिर्द उनका स्किल करके एक जैसे ऑयलिंग होती है या कुछ भी लोग बना रहे हैं इवन कि जो हिकमत के जो हमत के टोटके हैं उसके साथ भी आप कई जड़ी बूटियों को मिला के अगर करो लेकिन अगर वो बेनिफिशियल है वो फ़ायदा मानोगे कि तो दादी कर वो टोटका आप आगे कहीं और अभी आप देखो हमारे होम शेफ़ कितने हैं कितनी है और अभी हमारा मेरिट होटल में कराची में जो है ग्लोबल शेफ़ अवार्ड हुए तो उसमें सबसे ज़्यादा अवॉर्ड जो है ना वो होम शेफ्स को मिले क्योंकि वाकई उनका जो केक उनका आउटस्टैंडिंग उनमें चीज़ें थी और लज्जत थी और ये जो बड़े बड़े हमारे शेफ हैं उन वो खुद जज थे उन उनकी जो छोटी छोटी क्लिप्स हैं वो हमने वायरल की हमने दी ताकि उनको होम आर्डर मिले रमज़ान शरीफ में बहुत ज़्यादा

तस्लीम की इस पूरी डिस्कशन से मुझे याद आ गया कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में हंड्रेड एंड टेन परसेंट जैसे ही मर्द माशाल्लाह टैलेंटेड हैं वैसे ही हमारी ख़वात भी टैलेंटेड हैं और तस्लीम ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आपका इरादा पुख्ता है और आपकी नीयत साफ़ है आप लोगों की हेल्प करना चाह रहे हैं आप लोगों को सपोर्ट करना चाह रहे हैं तलीम ज़रूरी है लेकिन आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को देखें घर बैठ के भी आप बहुत सारे आइडियाज़ पर काम कर सकते हैं हमारे सामने अक्सर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम देख सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिनको हम अवेल कर सकते हैं अभी इन्होंने एक एग्जांपल दी एक खातून की कि उनको कोई इशू हो गया था फिर उन्होंने अपने बाल जो थे उनके बाल उतर गए थे और उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि हमें विग्स बनाने चाहिए और अब इज़ अर्निंग टू मच सो जैसे कि अल्लाह ताला अल्ला की ज़ात ने ये भी फरमाया कि हर मुश्किल के साथ जो है वो आसानी है तो वो आसानी आपने देखनी है और ऐसे लोग जो ऐसे मर्द हजरात देख रहे हैं मैं तो उनसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि प्लीज़ खाती को बच्चियों को पढ़ाएँ ज़रूर आपको नहीं पता होता कि लाइफ कभी क्या टर्न ले लें पढ़ाई जो है ना पढ़ाई वो उनकी ज़िंदगी में उस वक्त जब वो मुश्किल में आएंगी वो वैल्यू ज़रूर ऐड करेगी इसी पैगाम के साथ मैं प्रोग्राम का अहतम करूँगा अपनी दुआओं में याद रखेगा इन करीब एक नए टॉपिक नए गेस्ट के साथ आपकी हिदमत पर दोबारा हाजिर होगा टेक केयर बाय